नमस्कार, आपके साथ में हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब 50 जिलों का हो गया है। गहलोत कैबिनेट की बैठक में नए जिलों पर मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। 19 नए जिलों में जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, डीडवाना, कुचामन, डीग, दूदू, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, नीमकाथाना, फलौदी, सुलुम्बर, सांचौर, केकड़ी, शाहपुरा जिले शामिल हैं। वहीं नए संभागों में बांसवाड़ा, पाली और सीकर शामिल हैं। अब राजस्थान में 10 संभाग हो गए हैं। नए जिलों के गठन के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान अब तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी और जिला मुख्यालय से दूरी के चलते प्रदेश में नए जिले जरूरी हैं। जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से संपर्क करने के लिए लगभग 60 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करते थे और अब वो केवल 30 से 40 किलोमीटर में ही अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इससे आमजन को काफी ज्यादा फायदा होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिले बने हैं वहां पर 7 अगस्त को मंत्री विधायक जाएंगे और भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार विधिवत पूजा पाठ होगा, सर्वधर्म प्रार्थना होगी और जिलों की स्थापना होगी। सीएम ने कहा कि नए जिलों के गठन से प्रशासनिक कामों में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि और नए जिलों को लेकर भी कार्य करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि 4 से 5 मुख्यमंत्री का चेहरा बने घूम रहे हैं और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधने से गहलोत नहीं चूके। सीएम ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना का जिक्र किया तो पहला नाम राजस्थान का लिया। अब जनता इसका जवाब देगी। राजस्थान में सरकार रिपीट हो गई, जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी वाले भी अब कांग्रेस को वोट देंगे। कई बीजेपी के घराने ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के साथ आने का मन बना रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2030 तक विजन लेकर चलना है, राजस्थान को नंबर 1 पर लेकर आना है। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।